हाय गाइस, कविता किचन रेसिपी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको होटल जैसी अदरक और इलायची वाली कड़क चाय घर पर बनाकर दिखाने वाली हूँ। तो चलिए गाइस, चाय बनाना शुरू करते हैं। देखिए गाइस, चाय बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप पानी लिया है, 1.5 कप मैंने यहाँ पर दूध लिया है, 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, थोड़ा सा मैंने इलायची पाउडर लिया है, 1 बड़ा चम्मच मैंने चीनी लिया है। चीनी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 चम्मच मैंने चाय पत्ती लिया है। चाय बनाने के लिए मैं सबसे पहले गैस पर दूध गर्म करने के लिए रखती हूँ। गाइस, हमें एक बात का अच्छे से ध्यान रखना है, हमको कम से कम 5 से 7 मिनट तक दूध को धीमी आंच पर अच्छे से पकाना है। जितना हम दूध को अच्छे से पकाएंगे उतने हमारी चाय अच्छे से बनेगी, क्योंकि यहाँ पर हम होटल जैसी कड़क चाय बना रहे हैं, इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा देर तक दूध को अच्छे से उबालेंगे। देखिए गाइस, चाय बनाने के लिए दूध अभी परफेक्ट हो गया है। अब मैं यहाँ पर 1 पतीले में पानी डालूंगी। 1 कप पानी डाल दिया है मैंने। यहाँ पर मैं 2 चम्मच चीनी डालूंगी। 1 चम्मच मैं चाय पत्ती डालूंगी। यहाँ पर मैंने अदरक को बारीक टुकड़ों में कट कर लिया है, इसको मैं चाय में डाल देती हूँ। इलायची पाउडर डाल देती हूँ। देखिए, चाय हमारा अच्छे से उबल गया है। अब मैं इसमें दूध डाल देती हूँ। देखिए गाइस, अब मैं चाय को 3 से 4 मिनट तक धीमी आंच पर पकाऊंगी। गाइस, हमें कभी भी चाय बनाते वक्त हमेशा सब्जी की तरह बिल्कुल धीमी आंच पर चाय को बनाना है, तभी यह स्वादिष्ट और कड़क बनती है। देखिए गाइस, इसमें कितने अच्छे बबल्स आ गए हैं, ये बिल्कुल होटल जैसी चाय तैयार हो गई है। तो गाइस, चाय हम हर दिन बनाते हैं, लेकिन आप मेरी तरह से एक बार ज़रूर बनाएं, आपको बहुत पसंद आएगी। देखिए गाइस, हमारी अदरक और इलायची वाली होटल जैसी कड़क चाय बिल्कुल तैयार है। आप अपनी फैमिली के साथ इसको एक बार ज़रूर बनाइए। आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।